तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये जो लोकल चाइना किट है, जो मार्केट का लोकल किट कहा जाता है, तो इसका अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये चैसिस अभी ऑन नहीं हो रहा है। बट दोस्तों इसका ऑल वोल्टेज, मेन सप्लाई वोल्टेज सब कुछ ओके है, तब भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, चलिए मैं आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखाऊँगा। और ऑन होने का जो प्रोसेस है, कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए, ये भी आपको वीडियो के अंदर देखूंगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा पिक्चर ट्यूब के अंदर ये बोर्ड को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों ये एक टेक्नीशियन, एक न्यू टेक्नीशियन मेरा पास ये पीसीबी को लेके आया। चलिए मैं फर्स्ट सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, देने के बाद आपको देखना पड़ेगा फास्ट जो वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ESD पर सप्लाई आना चाहिए, ये जो ESD पिन है यहाँ पर सप्लाई अभी देखिए 105 वोल्ट, ठीक है 110 वोल्ट होना चाहिए, बट थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, तब ये सेट वोल्टेज कम पर कम चल जाएगा। उसके बाद ESD ऑन है कि नहीं है कैसे पता करें, कि 10 ESD जो है इसका 10 नंबर पिन से एक वोल्टेज निकलता है, या पर दोस्तों सेम वोल्ट देखा जाता है 105 वोल्ट, ठीक है। और दोस्तों जब ESD बन जाता है, यहाँ से एक डायोड का आउटपुट साइड पर एक वोल्टेज देखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम वोल्ट 105 वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 180 वोल्ट का आसपास थोड़ा सा वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, मतलब 105 वोल्ट ESD जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई से हाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पर सेम सप्लाई है, इसका मतलब ESD नहीं बन रहा है। ESD नहीं बनेगा तो क्या होगा, स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं आएगा, ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो आपको चलिए कुछ वोल्टेज दिखाता हूँ कि जो वोल्टेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो वोल्टेज दिखाने के लिए चलिए मैं मेन कुछ वोल्टेज दिखाता हूँ। चलिए ये 110 वोल्ट, 10 वोल्ट लाइन का 105 है, और ये वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई का ये 23 वोल्ट है। यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, ये बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद यहाँ पर एक जम्पर है, तो दोस्तों ये अलग सा लाइन है, यहाँ पर लाइन है, और ये वर्टिकल आईसी पर आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल आईसी का यहाँ पर भी सप्लाई देखिए प्रेजेंट है, कुछ भी वोल्ट ड्रॉप नहीं है। और उसके बाद ये जो सप्लाई लाइन है, ये जो सप्लाई, ये देखिए ये इधर से ये ऊपर चला गया, तो दोस्तों यहाँ पर 23 वोल्ट है। ये कौन सा पोजीशन है, डाइवर सप्लाई का, तो दोस्तों ये डाइवर कॉइल है, यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो तब ESD नहीं बनेगा। इसका आउटपुट पर भी वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर भी वोल्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, मिडिल पिन पर भी वोल्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। और दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका ये नीचे वाला ये नेगेटिव पिन है, और इसका ऊपर वाला ये बेस पिन है ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, 0.04 वोल्ट का आसपास। और दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन है, 0.4 वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्यों वोल्टेज नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पर वोल्टेज तब आएगा जब स्टैंड बाई से EPCB ऑन होगा। तो स्टैंड बाई से ऑन होने का कंडीशन क्या है, कि फर्स्ट देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ऐसे 5 वोल्ट और 8 वोल्ट निकलता है कि नहीं, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो स्टैंड बाई ऑन होगा तो ये जो 64 नंबर पिन, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज है कि नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 0 है, इसका मतलब ये PCB स्टैंड बाई से ऑन है। तो स्टैंड बाई से ऑन होगा तो यह से जो सिग्नल यह स्टैंड बाई सेक्शन पर आता है, यह से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट निकलता है। 5 वोल्ट कहाँ पर जाता है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट है कि नहीं है, ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर 5 वोल्ट देखिए प्रेजेंट है, 4.9। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो पॉइंट है, यह से वोल्टेज जाता है, ये जो लाइन है ट्यूनर का साथ कनेक्शन रहता है, ट्यूनर का ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन रहता है, बट ये लाइन ओपन है, ठीक है। तो ये आसानी से आप आइडिया कर सकते हो, जो ये जो लाइन है ये IC का 36 नंबर, ठीक है, 36 नंबर पिन पर ये वोल्ट आना चाहिए, ये IC का 36 नंबर पिन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है।
और ये वोल्टेज जाता है आईसी का 47 नंबर पिन पर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज प्रेजेंट है, ये 5 वोल्ट है। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद आता है, और इसका साथ आर एक जो मेन वोल्ट है तो दोस्तों वो 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट कहाँ पर आता है, यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन है। तो दोस्तों ये कौन सा पॉइंट है, ये नेगेटिव है, और ये आर जी बी का 3 पॉइंट है, और ये आई के पॉइंट है जो बेस बोर्ड के अंदर वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो आर जी बी पिन पर कितना वोल्ट है, अभी देखिए आर जी बी नहीं निकल रहा है क्योंकि आई सी ऑन नहीं है, देखिए 0.6 वोल्ट, यहाँ पर देखिए 0.6 वोल्ट, और यहाँ पर देखिए 0.6 वोल्ट। बट दोस्तों चलिए और जो देखना पड़ेगा कि ये जो मेन 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट आता है ये जो आईसी का 15, 16, 17 नंबर पिन पर, ठीक है। ये जो 17 नंबर पिन है यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो वोल्ट है 8 वोल्ट ये आईसी का 17 नंबर पिन पर नहीं आएगा तो कभी ईएसटी ऑन नहीं होगा, बट यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है तब भी ऑन नहीं है। उसके बाद देखना पड़ेगा ये जो 17 नंबर पिन है उसका नीचे 15 नंबर, और 15 का नीचे 40 नंबर, और ये 30 नंबर पिन, ये 30 नंबर पिन पर 4.5 से 5 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, बट यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये जो 5 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ से बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ तक एक पॉइंट है जो 5 वोल्ट प्रेजेंट है, और उसका बाद ये साइड दोस्तों रेजिस्टेंस के बाद ये साइड 0.4 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है लाइन, तो ये लाइन कहाँ पर चला गया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन देखिए यहाँ से ये देखिए, ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, मतलब इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, इसीलिए सेट ऑन नहीं हो रहा है जो आपको पहले दिखाया। देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एच लिखा है आईसी का पिन जो है ये एच आउट सिग्नल का, मतलब ये एच आउट सिग्नल ये आईसी पिन ओपन करके देखने के बाद 5 वोल्ट मिलेगा, और जब ये आईसी को कनेक्ट करेगा तो ये वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन जाता है, मतलब ये बीच में जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, इसलिए ये साइड वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा तो, बट शॉर्ट हो जाएगा तो वो अलग बात है, बट ओपन हो जाएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये जो कंडीशन है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 पॉइंट ये सेम लाइन दिखा जाता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट सेम लाइन दिखा जाता है। ये लाइन को एक बार यहाँ पर एक बार अच्छा करके चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो 4 लाइन है, देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए इसका अंदर ये देखिए ये 2 नंबर पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस ओपन है, और यहाँ पर देखिए ये ओके है, और ये देखिए ये पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस ओपन है, मतलब ये सल्फर के बजाय ये रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक है। और ये पीसीबी अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि ये पीसीबी का अंदर बहुत सल्फर है, बहुत पोजीशन पर जो रेजिस्टेंस का टांग होता है सबका अंदर सल्फर है, ठीक है, अब अच्छा करके देख सकते हो। तो दोस्तों एक्चुअली एच आउट सिग्नल लाइन का जो रेजिस्टेंस है, ये 2 नंबर पोजीशन का रेजिस्टेंस, यहाँ से सिग्नल इधर नहीं आ रहा है, जो दोस्तों ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, इसलिए ईएसटी नहीं बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, चलिए मैं ये रेजिस्टेंस चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हर टाइम पीसीबी का वोल्टेज याद में नहीं रहता है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, और जो पार्ट्स आपको बताया और आपको दिखाया अभी भी आप देख सकते हो, इसका अंदर 2 रेजिस्टेंस टूटा हुआ मिला सल्फर का बजाय। तो थ्योरी जो सिस्टम है, थ्योरी का हिसाब से जो आपको बहुत वीडियो के अंदर थ्योरी आपको समझाया कि ये सब प्रॉब्लम होने का बजाय ईएसटी ऑन प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये ओनली 1 रेजिस्टेंस को चेंज किया, आप देख सकते हो यहाँ पर 300
30 ओम्स का रेजिस्टेंस था, मैं 470 ओम्स रेजिस्टेंस लगा है। इसी तरह कुछ थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर रेजिस्टेंस भी उस कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये भी ओम्स वैल्यू का है, के वैल्यू का नहीं है। तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस को देखिए मैं अभी भी नहीं लगाया, क्योंकि ये अलग सा लाइन का है, ये बाद में देखूँगा ये रेजिस्टेंस का काम क्या है। बट ये स्टे अभी ऑन नहीं है, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस को चेंज किया, जो आपको मीटर लेकर सब कुछ टेस्ट करके दिखाया। उसका बाद मैं ये रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग भी कर दिया, ठीक है। और आपको देखूंगा अभी इसी टाइम कि कहां पर कितना वोल्ट आना चाहिए। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूं, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद ये स्टे बन रहा है कि नहीं, लाइट आता है कि नहीं स्क्रीन पर आप देखिए। देखिए दोस्तों टीवी चालू हो गया, स्क्रीन का अंदर लाइट भी आ गया, ठीक है। तो वीडियो देखे भी एक बार देखना पड़ेगा। तो उसका बाद पहले आपको वोल्टेज दिखाऊंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए। फर्स्ट जो आपको देखा है कि ESD सप्लाई, मेरे न्यू टेक्नीशियन का ये काम पर आएगा कि ESD सप्लाई। अभी देखिए ये देखिए 105 वोल्ट ही है, और ESD जो 10 नंबर पिन यहाँ पर सेम वोल्ट है, बट ये जो डायोड है डायोड की ये साइड वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए 105 वोल्ट का ऊपर चला गया, ये 169 हो गया, ठीक है। मतलब ESD अभी बन रहा है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज 180 वोल्ट का, तो दोस्तों ये जो कंडीशन है कि योक कॉइल जो होता है उसी कंडीशन पर ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है। योक कॉइल का ओम्स भी अलग होता है, इसी का रीजन से हो सकता है। बूस्ट पीएफ जो होता है इसी का हिसाब से भी ये वोल्टेज थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, अलग अलग पिक्चर ट्यूब का हिसाब से, जो अलग अलग पिक्चर ट्यूब के अंदर कॉइल रहता है उसी का हिसाब से वोल्टेज लोअर हाई हो सकता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत दोस्त ने कमेंट करता है कि सर यह वोल्ट 180 प्रॉपर नहीं है तो फॉल्ट है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो वोल्टेज डाउन है, बट ये काम चल जाएगा, ये फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये योक कॉइल का वजह इस तरह वोल्ट आ रहा है। तो चलिए उसका बाद जो आपको देखाऊंगा कि यहाँ पर जो 8 वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 8 वोल्ट तो आना ही चाहिए, ठीक है। 8 वोल्ट देखिए प्रेजेंट है, और ये जो 64 नंबर पिन यहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा जब स्टैंड बाई से ऑन होगा, यहाँ पर अभी भी वोल्टेज जीरो है। और यहाँ पर 17 नंबर पिन पर जो 8 वोल्ट आना चाहिए, ये जो पिन है यहाँ पर अभी भी 8 वोल्ट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जब 8 वोल्ट आएगा तब ये जो एच आउट जो पिन है यहाँ से वोल्टेज आपको फर्स्ट बात है कि 4.5 का आसपास मिलेगा, पर दोस्तों अभी इसी कंडीशन पर 2.2 वोल्ट मीटर पर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मीटर के अंदर 2.2 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस मैं लगाया, यहाँ पर देखिए 2.2 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस का बाद ये जो साइड है यहाँ पर क्या बात है 0.4 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, मीटर के अंदर कितना है 0.3 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो लाइन से वोल्टेज जाता है, चलिए फिर भी आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से जाता है ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पिन पर, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पिन पर कितना वोल्ट है चलिए मैं मीटर के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए 0.34 वोल्ट के आसपास इसी तरह देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर रखा हूँ, चलिए मैं 20 वोल्ट रेंज पर रखने के बाद कितना आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 20 वोल्ट रेंज पर रखने के बाद मीटर का अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है 0.34 इसी तरह वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। और चलिए 600 वोल्ट पर रखने के बाद कितना वोल्ट आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 600 वोल्ट पर रखने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो 0.1 वोल्ट दोस्तों वो नहीं शो हो रहा है, 600 वोल्ट रेंज पर रखने के बाद वो वोल्ट नहीं शो हो रहा है, क्योंकि वो 0.1 वोल्ट है। इसीलिए अब 200 वोल्ट पर रखेगा तो 0.4 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और 20 रेंज पर रखेगा तो आप देख सकते हो, आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए इसी तरह वोल्टेज 0.34 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों उसका पहले आपको जो ये ड्राइवर पिन पर जो वोल्टेज दिखाया, ठीक है, अभी देखिए मीटर को 200 रेंज पर आने के बाद यहाँ पर वोल्टेज ये स्टेज अब बन जाएगा, थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो जाता है, 27 का आसपास आपको देखा है, अभी 17 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज
यहाँ पर भी आप देख सकते हो 16-17 का आसपास ये हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का अंदर जो सप्लाई है प्रेजेंट है और यहाँ पर सिग्नल आने के बाद ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने लग रहा है। स्विचिंग का वजह ये जो वोल्ट है ये कम कर रहा है, थोड़ा ड्रॉप हो गया, इसी इसका कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, ये वीडियो के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और आपका ESD नहीं बनेगा चाइना PCB के अंदर। अब जरूर कमेंट करके बताएं और क्या क्या देखना पड़ेगा, थ्योरी वीडियो भी मिल जाएगा। हो सकता है 5V 8V नहीं निकल रहा है ये सेक्शन से, तो ये सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाता है इसके ऊपर भी वीडियो है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।